जय हिंद नमस्कार साथियों, जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा चैप्टर जो आप पढ़ भी लिए होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो 100% समझ में आएगा। जीवन में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको बिना एक्स माने आप इस चैप्टर को हल ही नहीं कर सकते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे नाव तथा धारा हो, बिना एक्स माने आप हल नहीं कर सकते हैं। हम वादा करते हैं बिना एक्स माने आपको एक ऐसा ऐसा सवाल हल करा देंगे जो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तभी आज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा डिसलाइक भी कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिख दिया, अगर ये मेथड आपको पता है तो समझ जाइए कहानी खत्म है, ये मेथड कौन चाहिए अभी तुरंत बना देंगे, ठीक है। और ऐसा आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जैसे लिख दिया वादा जीवन में आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि कोई इस तरह से पढ़ाई भी नहीं किया। चलिए ऐसा मेथड हम खुद बनाए हैं और भी बहुत सारा मेथड है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैथ भाई भोला भाई लिखा होगा तो आराम से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिएगा वरना डिसलाइक कर दीजिएगा आज का वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए नाव तथा धारा, नाव तथा धारा को बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बचपन में तो आप लोग नाव चलाते होंगे या खुद से तैरते होंगे ना, तो वही है। जैसे आप थोड़ा सा देखिए इसी में शुरुआत करते हैं। जैसे आप कहीं भी नदी में तैर रहे हैं या बचपन में तैरे होंगे ना, तो नदी में तैरते हैं तो तीन तरह, एक एक बार नदी में तैरते हैं, एक बार तालाब में तैरते हैं, ठीक है। तो तालाब में आप महसूस करते होंगे कि आप जितना ज्यादा हाथ पर चलाइएगा उतना ही आप तैरिएगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, ठीक है। लेकिन नदी में देखिएगा तो हम लोग किस तरह से पसंद करते हैं, जब बाढ़ थोड़ा मोड़ा आता है, डूबा पानी रहता है, तो हम पूरा ऊपर जा करके छलांग मारते हैं ताकि पानी के साथ चलते चलते हम पार भी हो जाएंगे, ठीक है, कि हम धारा के विपरीत चलने लगता है। नहीं, हम लोग होशियार बन जाते हैं, बचपन से होशियार थे, तो वही होशियारी को आज आप कितना होशियार बने कि इसमें आजमाइश कर सके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए नाव तथा धारा में आपको चारे शब्द मिलेगा, कितना शब्द, चार शब्द मिलेगा। देखिए इससे पहले वीडियो बना चुके थे लेकिन आवाज के कारण फिर भी वहां पर 250 से 300 लोगों ने कमेंट किया है कि बहुत अच्छा लगा है, फिर भी अब देखते हैं इसमें क्या होता है। वहां पर भी 250-300 लोग कमेंट किया है, फिर भी उसमें आवाज साउंड कुछ नहीं था, ठीक है, इसीलिए हमको ये चैप्टर फिर से बनाना पड़ रहा। तो नाव तथा धारा में कितना शब्द यूज होगा, चार शब्द। हमेशा बोलते हैं कौन कौन सा शब्द आएगा वो पता चल जाएगा और किस तरह से लिखना है, मेथड अगर पूरा चैप्टर का लिखने आ जाएगा। अभी तो हम कोई चैप्टर नहीं बताए हैं, ये मेरा पहला चैप्टर है डिजिटल बोर्ड पर जो हम बना रहे हैं और आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको चार शब्द यूज होगा, वही चार शब्द को लिखना है। चार शब्द देखिए भी, चार शब्द देखिए भी है और डी एस है, एस डब्ल्यू है, यू एस है, ये क्या है। तो देखिए जब भी मैथ बनाते हैं तो इतना लंबा लंबा हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे वहां पर लिखने के लिए, इतना लंबा करेंगे नहीं करेंगे, इतना लंबा करेंगे हम खुद फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे, देखने में मैथ बनाने में भी सुंदर लगेगा, लिखने में भी सुंदर लगेगा, एकदम शॉर्ट शॉर्ट, एक मिनट का मैथ 10 सेकंड का निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिये भी का अर्थ होता है धारा का वेग, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं धारा का वेग। चलिए धारा का वेग, जैसे नाव चलता है ना, नाव चलता है तो नाव का अपना वेग रहता है, कोई नाव है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ना बोल दिया, ये धारा ना है। जैसे नदी देखे होंगे तो नदी का अपना वेग है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, देखते ना नदी, ऐसा थोड़ा नदी स्थिर रहता, तो अपना वेग से चलता है, यानी नदी का जो चाल होता वही इसका चाल है। तो नदी का चाल क्या है उसी का बोलता है धारा, धारा का खुद का वेग क्या, ठीक है। आप महसूस करना चाहते हैं तो नदी में जाते होंगे तो पानी देखते होंगे अपना रफ्तार से चल रहा, तो वही वाला उसी का वेग है, कोई दिक्कत है। अब देखिए डी एस, आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, आप किसी को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो डी एस मतलब होता है डॉन स्ट्रीम, क्या होता है, डी मतलब डॉन, एस फॉर स्ट्रीम, मतलब कि धारा की दिशा में, डॉन मतलब जल जो हमेशा नदी चलता है डॉन में ना, पानी आप कहीं भी गिराइएगा तो जिधर डॉन होगा उधर बहने लगेगा। तो डी फॉर होता है डॉन, एस फॉर होता है स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा, या उसी को बोलते हैं धारा के अनुकूल, या उसी को बोलते हैं नाव जो है ना धारा के साथ साथ चल रहा, कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं। अब देखिए अगला जो शब्द आएगा ये सब लिख लीजिए काम आएगा, ठीक है। एस फॉर होता है स्टील, डब्ल्यू फॉर होता है वाटर, एस डब्ल्यू का अर्थ होता है स्टील वाटर, इसी को बोलते हैं स्टील मतलब होता है शांत जल, मतलब ठहरा जल, कभी रहेगा शांत कभी रहेगा ठहराव, इसी को बोलते हैं नाव की चाल। नाव की चाल जैसे कि आप तालाब में घुसे हैं
या झील में घुसे हैं, आप जितना चलिएगा वो आप ही खुद चलिएगा। अगर आप शांत रहिएगा तो खड़े रह जाइएगा झील में, ऐसे तालाब में आप जाइएगा बिना हाथ पर चलाए पार हो पाइएगा? या नाव है खड़ा रह जाएगा तो खड़े रह जाएगा, ठीक है? नदी में थोड़ू ना कि अगर नाव खड़ा भी है तो धारा का अपना जो धारा का वेग होगा उसके साथ नाव धो जाएगा, नहीं। तालाब हो झील हो उसी को कहते हैं शांत जल, या उसी को कहते हैं नाव का खुद की चाल, नाव की खुद की चाल। एक होता है यू एस, यू पर होता अप, एस पर होता स्टीम, यानी कि धारा के विपरीत चलना, धारा के विपरीत, उसी को कहते हैं धारा के विरुद्ध, उसी को कहते हैं धारा के विरुद्ध चलना। तो यही सब शब्द यूज होगा। आपको जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा धारा की दिशा में चाल या धारा के अनुकूल चाल, या शांत जल में चाल या नाव की चाल, या धारा के ठहराव की चाल, ठीक है, या नाव के खुद की चाल लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि एस डब्ल्यू है। अभी समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको 100% आएगा, ठीक है? ये बेसिक बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि ऐसा आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ेंगे, ये वादा। बस आप 5 मिनट लगातार देखिए, देखिए यूएस मतलब होता है धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत चाल लिखा रहेगा या धारा के विरुद्ध चाल, या उसी को बोलते हैं धारा के प्रतिकूल भी बोल सकते हैं, धारा के प्रतिकूल भी बोल सकते हैं, धारा के प्रतिकूल, यहां पर अनुकूल है यहां पर प्रतिकूल, धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत रहेगा। अब इसी 4 शब्द को हमको सुरियाना है, उसी पर पूरा धारा एकदम पूरा नाव तथा धारा मजा आ जाएगा, ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहां देखें 4 शब्द बोले थे ना, भी था लिखा हुआ यानी कि वेलोसिटी धारा का वेग, डी एस, डी एस बोले तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ चाल नाव का चाल या धारा के अनुकूल चाल, इसी को बोलते हैं एस डब्ल्यू। देखिए लिखने का तरीका देखिए, उसके बाद एस डब्ल्यू यानी कि स्टील वाटर मतलब शांत जल में चाल या नाव की खुद का चाल, यहां पर लिखा है यू एस मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत, कहीं भी लिखा रहेगा धारा के विपरीत या धारा के विरुद्ध या धारा के प्रतिकूल, हम यहां पर यू एस लिखेंगे। आप हमेशा लिखिएगा यहां पर भी लिखिएगा। देखिए मैथ में हम कभी भी कोई भी चैप्टर बताएंगे, चाहे 300 चैप्टर, हम हमेशा एक लॉजिक देंगे, लिखने का तरीका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम पहला चैप्टर लिए हैं, इसके बाद आप लोग जो भी चैप्टर होगा वैसा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उस चैप्टर को एकदम धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है? और ऐसा तरीका बताएंगे आपने जीवन में कभी उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं। चलिए तो लिखने तो आ गया होगा, इस यहां लिखेंगे, फिर हमेशा इंग्लिश लिखिएगा, ठीक है? चलिए फिर से बता देते हैं, कभी भी नाव धारा का क्वेश्चन दिखे आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, भी लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, डी डब्ल्यू मतलब धारा की दिशा में, उसके बाद दिशा में जाके शांत हो जाइएगा यानी कि एच डी एस, डी एस मतलब डाउन स्ट्रीम, जैसे धारा की दिशा में चलना, धीरे धीरे शांत हो जाएगा फिर विपरीत चलेंगे यानी कि यूएस। कोई दिक्कत है? इतना लिखने आता है कि नहीं आता तो 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर इस वीडियो को आगे चलाइएगा, ठीक है? चलिए फिर से लिख देते हैं एक बार, कभी भी आपको नाव तथा धारा का चैप्टर दिखने को मिले आप क्या कीजिएगा, देखिए बेसिक बता रहे हैं, अगर आज नहीं समझे फिर कभी जीवन में नहीं समझ पाइएगा, ठीक है? सबसे पहले जैसा ही नाव धारा दिखे भी लिखिएगा, भी का मतलब धारा का वेग, उसके बाद तुरंत लिखिएगा डी एस डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के, बोलिए मेरे साथ साथ डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, या फिर नाव की धारा की दिशा में चाल, या धारा के साथ साथ चाल, या धारा के अनुकूल चाल, ये हो गया इसका मतलब समझिए। उसके बाद स्टील वाटर मतलब शांत जल में चाल या नाव की खुद की जाल, ठीक है? उसके बाद होता है आप स्ट्रीम, ठीक है? ये एकदम बेसिक है, एकदम आराम से एकदम पढ़िए, ऐसा ऐसा मैथ लाए हैं जो आपने जो जो आपका कितना लोग तो डाउट भी पूछा था वो भी क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे देखिए 11 नंबर में बहुत सारा लगा था क्वेश्चन पूछ पूछ के एकदम थका दिया। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं लड़का वा इतना बार पूछा है, आप देख के जब बताएंगे ना देख के आंसर मार दीजिएगा, ठीक है? तो ऐसा विश्वास रखिए जब भी बताएंगे पूरा कंप्लीट चैप्टर बताएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए यहां पर थे ना, चलिए तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको लिख देना है। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप हमेशा यहां पर स्पीड लिखिएगा, क्या लिखिएगा, स्पीड लिखिएगा, ठीक है? स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में लिखिएगा। फिर तीसरा देखिए टॉपिक बता रहे हैं, बस आपको ये करना है, इसमें हमेशा क्या लिखना है, इसमें हमेशा स्पीड लिखना है, क्या लिखना है, हमेशा स्पीड लिखना है, मतलब बोले तो स्पीड, एस पर होता है स्पीड, T
टी फॉर होता है टाइम, ठीक है, और डी फॉर होता है डिस्टेंस, मतलब दूरी। हमेशा कहाँ का लिखना है ये देखिएगा, हमेशा आपको जब भी लिखना होगा तो इस सामने में, जैसे यहां लिखेंगे ई स्पीड होगा, अगर कहीं देखेगा शांत जल में चाल तो यहां लिखेंगे, धारा के विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहां लिखेंगे, कोई दिक्कत है? जब भी रहे धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 लिख देंगे तो आप समझ जाइए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखेंगे। जब क्वेश्चन में 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया रहेगा तभी हम वहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई नहीं दिया किलोमीटर में, तो जो दिया है मीटर में या प्रति सेकंड में तब लिख देंगे। डिस्टेंस को हमेशा, जैसे इसके ऊपर अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर भी देखिए आपको सारा चीज मैटर समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस बोलेगा 68 किलोमीटर या 68 किलोमीटर, तो हमेशा यही, क्योंकि ये जो बता रहे हैं यहीं से आपको ऑप्शन हिट करने का दिमाग का जो विकास होता है ना, ऑप्शन हिट, अगर कभी कतनो बड़ा क्वेश्चन में फंस गए तो ऑप्शन हिट करके भी निकल सकते हैं, क्योंकि तरीका आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड हमेशा कहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, डिस्टेंस हमेशा ऊपर लिखिएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चलिए आपको क्वेश्चन देखिए, 5 टाइप तो बोल बोल के निकाल देंगे। अगर मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं ना, चलिए हम शुरू से बता रहे हैं, ठीक है, अगर कभी भी जैसे अगर यहां दिया रहे धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी भी रहे धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में दे दे 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए ये इसका शांत जल में चाल या धारा का विपरीत चाल क्या होगा। तो हमेशा देखिए कभी भी फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा, देखिए यह जो तीनों है ना एक सीरीज में चलता है, यानी कि समानांतर श्रेणी में चलता है, जब भी चलेगा चाहे पॉइंट में हो चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमेशा समानांतर श्रेणी में चलता है, और जो 2 गो का गैप होता है, 2 गो का बीच का गैप होता है, वही धारा का वेग कहलाता है। ये दोनों का बीच का जो गैप होगा यानी वही अंतर जो होगा चाल का, वही धारा का वेग कहलाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि धारा का वेग दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ही सोचिए कि धारा नदी में चल रहे हैं और बाढ़ आया हुआ है और आपका ना आपका जो चाल है ना आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलेगा नदी में धारा के साथ साथ चल रहे थे तो 8 था, लेकिन अब धीरे धीरे शांत जल में चल रहे हैं, आप सोचिए धारा के साथ चल रहे हैं नदी में, अब धीरे धीरे आप झील में हेल रहे थे, आपका स्पीड तो घट जाएगा, तो कितना स्पीड घटेगा, तो धारा का वेग का घटते जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है? अब फिर 6 में से 2 गया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए 8 में से 6 गया था 2 धारा का वेग आ गया, 6 में से 4 गया था 2 यहां का वेग आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए फिर से देते हैं, कभी भी अगर ये दिया रहे 2 किलोमीटर प्रति घंटा और ये दे दे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलेगा शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको पता भी ना चल 5 टाइप खत्म हो गया, ठीक है। कभी भी धारा का वेग दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, पूछेगा धारा का विपरीत बताइए, कभी भी इस साइड जाते हैं तो हमेशा माइनस होगा, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस होगा, क्या माइनस होगा, यहां पर माइनस होगा, और कभी भी इस साइड आते हैं तो हमेशा प्लस होगा, क्या प्लस होगा, धारा का वेग प्लस होगा। जैसे जैसे यहां पर देखिए जैसे दिया है भी का मान दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एस डब्ल्यू का मान दिया 6, एस डब्ल्यू मतलब स्टील वाटर मतलब शांत जल में, तो 6 में से पूछेगा ये तो घट जाएगा, आप ही सोचिए शांत जल में फिर धारा का विपरीत करिएगा तो कितना ताकत लगेगा, ठीक है, तो हमेशा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन इधर पूछेगा ये बताइए, तो इधर से इधर ढाल में आएंगे तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है? आपको दिमाग में कुछ हो रहे चाहे ना रहे, इतना लिखने सीख गए समझ जाइए आपका काम हो गया। चलिए अभी 2 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पर भी ले जाएंगे। जैसे दे दिया है बोलेगा शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तब पूछेगा बताइए धारा का विपरीत चाल क्या होगा या पूछेगा बताइए धारा का वेग क्या होगा, ठीक है। कहीं भी एक्स मान रहे नहीं मानेंगे एकदम खल्लास कर देंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और देखिए हम लोग का भी जो है और भी बहुत सारा सेट चलता है, जैसे किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का सेट चलता है पर डे एक दिन गैप करके, ठीक है, यानी कि चलता है
यानी मंडे, यानी कि मंडे चलता है और वेडनेसडे चलता है और फ्राइडे चलता है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, और कॉन्स्टेबल का जो सेट है यानी कि रेगुलर चलता है, ठीक है, यानी कि रेगुलर चलता है, कोई दिक्कत है। चलिए और भी देख सकते हैं, और ये जितना भी मैथ देख रहे हैं ना, टोटल जो है किरण पब्लिकेशन का है, एक से एक मैथ एकदम तोड़ले है। किरण पब्लिकेशन हार्ड के लेवल में किरण पब्लिकेशन जाना जाता है, और पूरा किरण पब्लिकेशन का बना दिए हैं, एक के तोड़ में तो कहानी खत्म हो गया, क्वेश्चन में कोई जाने नहीं। अब बताइए हम क्या बोले, यह एक सीरीज में चलता है, तो बताइए कितना कितना घट रहा है, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, तो बताइए विपरीत चल आ गया 8। पूछेगा बताइए इसका, बताइए कोनो दूगो का अंतर ले लीजिए, 12 से 2 2 का अंतर है, कोनो एगो उठा लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है। चलिए आगे फिर बताते हैं, हमेशा हमेशा अगर बोले धारा के विपरीत चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बोलेगा 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 कि शांत जल में दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, पूछेगा इसका वेग बताइए, तो क्या बताइएगा, 8 से 9 हो गया, तो बताइए एक के ना बढ़ा है, ये दोनों किसी भी दूगो का गैप ये धारा का वेग कहलाता है, तो 8 से 1 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछेगा बताइए धारा की दिशा बताइए, तो 8 1 1 बढ़ रहा है, 9 1 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है। चलिए इसी को देखिए और किस किस लेवल में पूछ सकता है, जैसे बोलेगा कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में, 10 किलोमीटर जाने में एक घंटा लगता है, 10 किलोमीटर जाने में एक घंटा लगता है, तो हम हमेशा बताएंगे यहां पर स्पीड लिखिएगा, बोलेगा धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में एक घंटा लगता है, तो बताइए यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, कोई दिक्कत है। तो दूरी है 10 किलोमीटर, घंटा दिया एक घंटा, तब बताइए स्पीड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है। फिर बोलेगा कि धारा के विपरीत चलने में वही वही दूरी को, यानी वही दूरी को, यानी दो कौन दूरी को, 10 किलोमीटर को, धारा के विपरीत चलने में लगता था 2 घंटा, क्या घंटा लगता था, 2 घंटा नहीं लिख देते हैं, लगता था 2 घंटा, तब बताइए कि 10 किलोमीटर चलने में लग रहा है 2 घंटा, तो इसका स्पीड क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछेगा इसका चाल बताइए, या पूछेगा इसका चाल बताइए, तो क्या कीजिएगा आप, देखेंगे कि यहाँ 5 है यहाँ 10 है, यानी कि लग रहा है कि अढ़ाई अढ़ाई बढ़ रहा है, एकदम दिमाग लगा, कितना फार्मूला, देखिए फार्मूला बताते हैं, अगर कभी भी ये पूछे तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, और कभी भी ये पूछे तो ये दोनों को घटा के आधा कीजिए, कितना कीजिए, दिमाग का हल दिया। आज के जमाना में अगर स्टैंडर्ड से आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो आप फंस जाइएगा हमेशा फार्मूला चक्कर में, ठीक है, क्योंकि जीके पढ़ना है, करंट पढ़ना है, बहुत सारा साइंस और वगैरह रीजनिंग में है, मैथ में, फिर एडवांस में था फार्मूला, कितना फार्मूला, जितना अधिक से अधिक हो बचे और दिमाग लाए, क्योंकि आज का स्टैंडर्ड है माइंड का खेल है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला रट के भी जाइएगा तो काम नहीं बनता है कभी कभी। चलिए यानी कि हम देख रहे हैं कि 5 है यहाँ 10 है, यानी 5 अढ़ाई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अढ़ाई अढ़ाई का गैप है यानी कि अढ़ाई किलोमीटर, कोई दिक्कत है। अब आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, देखिए कितना शानदार तरीका से बनेगा, यानी देखते ही आंसर मारिएगा, ये मेरा वादा। जैसा ही दिखा कि एक व्यक्ति नाव धारा, जैसा ही दिखा आप सबसे पहले लिखिएगा भी, लिखिएगा क्या लिखिएगा, भी लिखिएगा, यानी कि क्या लिखिएगा, धारा का वेग, इसको बोलते हैं धारा, बोलते जाइएगा याद हो जाएगा, रटा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले धारा का वेग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, उसके बाद लिखेंगे स्टील वाटर मतलब शांत जल में, उसके बाद लिखेंगे क्या, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम दिख रहा है ना, अपस्ट्रीम, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर ले जाएंगे, जहां जहां बोलेगा रखिए चाचा को, वहां वहां उस चाचा को रख देंगे। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में एक चाचा कि नाम में धारा के अनुकूल बोले, अनुकूल बोले तो धारा की दिशा में, प्रतिकूल बोले तो धारा के विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत, धारा की विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत है। बोल रहा धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल कहने का मतलब धारा की दिशा में स्पीड दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, हम नहीं लिखेंगे 14 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड लिख दिए हैं, और स्पीड हमेशा लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में,
कोई दिक्कत है। फिर बोल रहा है धारा के विरुद्ध बोले तो धारा के विरुद्ध बोले या धारा के प्रतिकूल बोले, ठीक है कोई दिक्कत है। बोलेगा धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए धारा के विरुद्ध होता है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम तो यहां हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा ठहरे हुए पानी मतलब शांत पानी में व्यक्ति की चाल बताइए। अब देखिए यहाँ 9 है यहाँ 14 है, आपको क्या लग रहा है क्या कीजिएगा कितना कितना बढ़ रहा, आप नहीं भी कुछ जानते हम क्या बोले जोड़ियों का घटा दीजिए आधा कर दीजिए। तो देखिए 14 9 कितना होता, 23 न होता, 23 के आधा 11.5 होता, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 9 2.5 11.5 14 यानी 2.5 का गैप चल रहा है। पूछेगा कि धारा का वेग बताइए बताइए ये डिब्बा बराबर क्या होगा, तो बताइएगा 2.5 गैप चल रहा है तो हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ कौन चीज रहा हमको तो पूछा है शांत जल में, यानी ये वाला ना पूछा है दोस्त, मार दिए आंसर कितना आसान है पता चला है। कुछ हम बोले ना क्वेश्चन को हवा तक लगने नहीं देंगे, क्वेश्चन भी शानदार तरीका से बनेगा कोई दिक्कत है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए, जैसा ही दिखा कि एक व्यक्ति नाव में धारा की दिशा, बाप रे बाप तुरंत मारे भी, क्या करेंगे तुरंत मारे भी, फिर भी का मतलब धारा का वेग, फिर तुरंत मारेंगे क्या डी एस मतलब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, तुरंत मारेंगे एस डब्ल्यू फिर मारेंगे यूएस। क्या बोल रहा कि धारा के साथ तथा धारा के विपरीत 16 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है, यानी 16 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है 16 किलो क्या धारा के साथ तथा धारा के विपरीत 16 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है 16 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है, ये भी 16 किलोमीटर जा रहा है, ये भी 16 किलोमीटर जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए नाव की चाल क्या होगा। नाव की चाल मतलब समझे ये ना कि मार दिया धारा की चाल, नाव की चाल का मतलब हुआ कि शांत जल में या झील में चल रहा नाव का खुद का चाल, यानी कि शांत जल में नाव की चाल बराबर डिब्बा, कोई दिक्कत है। देखिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, मैं दिमाग लगाए नहीं एक्स मान के बौख जाइएगा, ठीक है चलिए हम दिमाग लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन एकदम शानदार है, इसको एक्स मान के आदमी पागल हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक नाव है जो 16 किलोमीटर गया भी धारा के साथ और 16 किलोमीटर आया भी धारा के मतलब विपरीत आया, यानी कि डिस्टेंस में बोलेंगे तो 16 किलोमीटर गया तो डिस्टेंस आप बताइए इस छोर से उस छोर जा रहा जितना जाइएगा उतना वापस आइएगा, तो 16 किलोमीटर गया 16 किलोमीटर आया, लेकिन बोल रहा है कि कुल 3 घंटा लगा है, कुल कितना घंटा लगा है 3 घंटा लगा है, लेकिन बोल रहा है धारा का वेग दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है शांत जल में चाल बताइए। आप चाहे तो देखिए यहाँ पर समय दिया है टोटल, पहले देखिए डायरेक्ट बता देते हैं फिर बताते हैं आपको एक्स मान के। दुनिया का कोई भी एग्जाम कंपटीशन का दे रहे हैं तो वहां पर 4 गो ऑप्शन होता है, ठीक है होता है 100% होगा भी भविष्य में चलकर, ऐसा थोड़ा ना हमारे लिए स्पेशल है, तो आप चारों ऑप्शन पर नजर दौड़ाइएगा। आप यहाँ पर पूछ क्या रहा नाव का चाल बताइए, तो आप अपना मन से बताइए कि यहाँ पर कौन सा चाल रखें कि एकदम जो है मेरा कि 16 से भाग दे तो मेरा 3 घंटा आ जाए। तो जैसे कि हम डायरेक्ट रख के दिखा देते हैं, मान लेते हैं इसको रख देते हैं कितना 8, अपना मन से रखिए 8, काहे कि हमको लग रहा 8 × 16 16 कट रहा, फिर आपको विपरीत भी रख के दिखाएंगे फिर आपको 100 मान के दिखा देंगे, ठीक है। मान लेते हैं देखिए आंसर में पूछा नाव की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल, तो दिया भी तो आंसर वाम होगा शांत जल में चाल, तो इसीलिए रखे शांत जल में चाल और स्पीड रखे शांत। अब बताइए ये है 8 ये है 4 इधर आएंगे तो 8 × 4 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 8 ये है 4 इधर आ रहे हैं तो 8 में से 4 गया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है। अब बोल रहा है कि शांत जल में, तो बोल रहा है आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन एड कीजिए, देखिए 12 को 16 से भाग देंगे तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 12 जो है पॉइंट में आ जाता है, क्या पॉइंट में होगा नहीं होगा। चलिए फिर से देखते हैं, अगर यहाँ पर रखते हैं हम यहाँ पर क्या रखते हैं 12 रख देते हैं, अपना मन से रखिए, देखिए बनाने का तरीका, अगर 12 रखे हैं 8 सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो देखिए 12 रखे हैं ये 12 है ये 4 है, 16 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा, जबकि ये 12 में से 4 गया हो जाएगा
8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही तो बोल रहा है कि 16 किलोमीटर गया, तो बताइए 16 के स्पीड से 16 किलोमीटर जाएगा क्या घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा। ये धारा के साथ 16 किलोमीटर चला, फिर बोल रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये वाला स्पीड है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। बोल रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 16 किलोमीटर चला, तो बताइए क्या घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो बताइए ई चला है धारा के साथ, ई चला है धारा के विपरीत, क्योंकि यहाँ बोला धारा के साथ, बोला धारा के विपरीत। यहाँ भी पूरा दिया 3 घंटा, वही तो बोल रहा है कि 3 घंटा लगता है, कोई दिक्कत है? और नहीं तो ध्यान से देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता, अगर देखिए हम आपका आंसर ला चुके हैं, आप बोलिए कितना लोग होता है एक्स के मारल होता है, एकदम एक्स नहीं मानिएगा कोई उपाय ना। तो ध्यान से देखिए, आप अपना मन से दिया है तो मान लीजिए इसको एक्स, तो बताइए इधर से ये 4 है, ये एक्स है, ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा, हो जाएगा। ये एक्स है, इधर से जाते इधर घट नहीं जाता, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ये देखिए स्पीड है, यहाँ डिस्टेंस है, तो बताइए यहाँ टोटल समय दिया है 3 घंटा, देखिए ना 3 घंटा दिया है ना टोटल समय, कहाँ दिया 3 घंटा टोटल समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो बताइए कुल दूरी बटे कुल चाल, क्योंकि ये वाला निकालना जोड़ के दूसरे भाग कर देते हैं, ठीक है। ये बताइए 16 डिस्टेंस है, इसका स्पीड दिया एक्स प्लस 4, अगर ये वाला डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है ये स्पीड दिया है, तो जोड़ के क्या करते हैं 16 बटा एक्स माइनस 4 इतना बराबर 3 घंटा। हल कर लीजिएगा, आपका ये वाला आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जब भी बोले हैं कि बड़े मैथ में फंसिएगा एक्स मान करके, एक मिनट में निकाल देंगे आपको। देखिए ये क्वेश्चन का प्राथमिकता, कभी भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो एक तरीका होता है बनाने, सबसे पहले क्वेश्चन में यही ठूस देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जैसा ही देखे धारा के विरुद्ध धारा तारा दिखा, आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, भी ना लिखिएगा, भी के बाद क्या लिखिएगा, डाउन स्ट्रीम, उसके बाद क्या लिखिएगा, स्टील वाटर, उसके बाद लिखिएगा अप स्ट्रीम। अब ध्यान से पढ़िए, हम हमेशा क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्पीड लिखिए, स्पीड क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब कि एक घंटा में यानी 60 मिनट में कितना दूरी चलता है, उसी को ना कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये तो भी तो बोल सकते हैं 60 मिनट में कितना दूरी चला, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप जो बोल रहा कर देते हैं। बोल रहा धारा के विरुद्ध, बोले तो विपरीत, नौका का तीन चौथाई यानी धारा के विरुद्ध नौका का तीन चौथाई डिस्टेंस है, ठीक है, 3/4 11.4 मिनट लेता है। अब हम ही बोलेंगे कि डिस्टेंस दिया 3/4 और समय बा कितना ले रहा है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो बताइए 3/4 जाए में 11.44 45 ना ले रहा है, 45/4 ले रहा है। हमको तो चाहिए 60 मिनट में ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो बताइए 60 से हम गुना कर देंगे, क्योंकि इतना पूर्णांक में दिया तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलिए इसी को आप हल करने जानते हैं ना, क्योंकि काटेंगे तो एकदम जीरो आ ही जाएगा, हम जानते हैं। तो देखिए 3/4 है, ये उल्टेगा तो हो जाएगा 4/45 और गुना कर देंगे घंटा में, तो 60 मिनट में बोलते हैं घंटा। तो बताइए अब काट देते हैं 4 से 4, 15 से काटते हैं 15 बार में, 15 चौका 60, यानी काट छाट के मेरा आ गया 15 किलोमीटर प्रति 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ना 3/4 दूरी इतना मिनट में, हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 मिनट में, तो इतना हल किया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, आप चाहे तो साइड में भी हल कर सकते हैं। तो धारा के विरुद्ध आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ ये ना कि ऐसा करके ऐसा रगड़ना, आप समझ जाइए आप होशियार है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इस दौर में आपको छूटना न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या बोले जो दूरी जाएगा वही दूरी वापस आएगा। अब बताइए 3/4 दूरी गया तो 3/4 दूरी वापस आएगा, दोस्त 3/4 दूरी, बोला धारा के विपरीत चला ना तो 11.4 मिनट लगा, लेकिन वो धारा के साथ नहीं वापस लौट रहा, तो धारा के विपरीत गए तो वापस लौटिएगा, धारा के साथ है ना, है ठीक है। तो धारा के साथ वापस आने में 7/7 मिनट लगता, यानी कि यही दूरी 7.5 मिनट लगा, यानी 7.5 मिनट के मतलब 15/2। देखो यहाँ पर हल कर देते हैं, 4/3 3/4 है, तो बताइए 3/4 दूरी कितना लगा है, 15/2 मिनट, हमको चाहिए 60 मिनट में, तो हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अब हल कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ क्या 2/15
अगुना 60। अब देखिए 60 से 60 खत्म, 3 × 6। अब यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, साथ में विपरीत आया 4। ऑटोमेटिक बताइए यहाँ 4 है 6 है, बीच में 5 है ना बैठेगा दोस्त, तो इसका चाल पूछेगा कौन सी पूछा हमको यह ना पता, इसका पूछेगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसका पूछेगा तो क्या बोलेगा, अंतर हमेशा समान चलता है, या तो एक या तो एक, कौन से ले लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है। पूछ रहा स्थिर जल में व्यक्ति के चाल, स्थिर जल में अभी तुरंत ना निकाले हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत मजा आएगा, बस आप सेशन में बने रहे। और आप जो लोग कमेंट करके पूछे थे टेलीग्राम में स्पेशल फोटो भेजते हैं कि देखिए सर ये वाला बता दीजिए, ये वाला बता दीजिए, सबका नहीं बता पाते हैं क्योंकि दिन भर काम रहता है, वीडियो बना रहता है, फिर लाइव का होमवर्क रहता है, सारा चीज देखना पड़ता है, तो कोई लोग बुरा ना माने फिर भी जवाब देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जैसा ही शांत जल और विपरीत जल देखा हमको लगा नाव धारा, हम बताने के लिए बोल रहे हैं, जब आपका आदत बढ़ जाएगा तो दिमाग यहाँ बढ़ जाएगा, आप लिखिएगा ना, जैसा ही लिखा रहेगा शांत जल में समझे यहाँ पर लिखा है विपरीत, यहाँ पर और धारक दिशा में यहाँ पर और यहाँ पर लिखा था, लेकिन हम बता रहे हैं ताकि आप सीख सकें। जब भी देखें यहाँ पर तो भी लिखेंगे मतलब धारा का वेग, यहाँ पर लिखेंगे डी एस, यहाँ पर लिखेंगे एस डब्ल्यू, और यहाँ पर लिखेंगे यूएस, इतना समझ में आ गया, यही चार गो पर बोलते हैं स्टीम, इतना बड़ा बड़ा प्रश्न हल करेंगे। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समझ जाइए इसका स्पीड ए को दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है धारा की दिशा में, वही धारा की दिशा में पौने दो घंटा में 28 किलोमीटर जाता है, पौने दो घंटा का मतलब इसको ई भी बोल सकते हैं, एक घंटा 45/60 मिनट, आप नहीं हल करने जानता, देखिए इस तरह से एक घंटा 45/60, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, कहने वाला 4 × 4 = 3, 7/4, बोलेगा 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा, 28 किलोमीटर जाने में ये डिस्टेंस है, ये समय है, तो दूरी बटा समय चाल हो जाएगा, हमको तो चाले ना रखना है, हमेशा चाल रखिए, ठीक है, तो दूरी बटा समय चाल, तो देखिए इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना ही ना आएगा, देखिए क्योंकि उल्टेगा 7 × 28 = 4 × 16, तो 4 × 16 जो आया ये ना आया, अब ये ना कि यहाँ बैठा देंगे, हमेशा जो शांत जल से ज्यादा होता है धारा के साथ, इससे हमेशा कम होता। अब आप पूछो पूछे बताइए ना, ये बताइए कौन सी होगा, तो 14 × 2 = 16, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 16 × 14 = 12 हो जाएगा, पूछा कौन सी है, आप देखना क्या मुन के मारना है 12 किलोमीटर, पूछा कौन सी ये नहीं देखिए डायरेक्ट आपको तो सब कुछ दिख जाएगा, धारक चाल पूछ रहा था 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिला देखिए है ना, आपको सोचना ना सब कुछ, आपने बोले कौन सी पूछ रहे हैं, आप ढूंढिएगा कौन सी पूछा, ठीक है। अब देखिए इतना हार्ड प्रश्न देखते हैं, बोल रहा एक स्टीमर धारा की दिशा में, जैसा ही दिखा आप भी लिखिए, आपको इतना ना बार भी लिखाएंगे कि आपको घोर के पिला जाएगा, ठीक है, भी लिखे हैं, फिर एस डी एस लिखिए, एस डब्ल्यू लिखिए और यू एस लिखिए, मेरे साथ इसी तरह से ट्रेन आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार विपरीत डाले हैं तो वहां बहुत ज्यादा आवाज में थोड़ा गड़बड़ है, कभी बोर्ड भी दिक्कत है, तो एक बार ट्रेन पढ़ लीजिए मेरे साथ, फिर ट्रेन में जितना लोग एक्स मानता है बिना एक्स माने बनाए, कहीं एक्स माने नहीं ना माने, अब वादा करते हैं कहीं एक्स नहीं मारेंगे, कितना बड़ा मैत्र है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम सारा चीज लिख दिए, बोल रहा एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटा में तय करता है, यानी कि टोटल दो बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या घंटा में तय किया, 6 घंटा में तय किया, यानी लिख देते हैं यहाँ पर टोटल टाइम 6 घंटा, अभी लिखेंगे तो पढ़ेंगे कौन, 6 घंटा में तय किया, वही बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटा में तय करता है, उसी दूरी, हमेशा याद रखिये कॉमर्शियल मैथ में या कॉमर्शियल मैथ में कि जब भी दो को डिस्टेंस बराबर होता है तो T1 अनुपात T2 जो होता है, यानी दो को समय का अनुपात विपरीत कर देंगे यानी उलट देंगे, तो वो जो टाइम का जो रेशियो है ना उसको उलट देंगे, डिस्टेंस समान हो तो वो स्पीड का रेशियो बन जाता है, कभी भी डिस्टेंस समान हो। अब आप ही सोचिए तो ये दो को बंदरगाह एक तरफ से गए एक तरफ से आए तो डिस्टेंस तो समान ना होगा, तो डिस्टेंस समान हो गया यानी चाल का उल्टा समय उल्टा और समय का उल्टा चाल हो गया, तुम तो पता चल गया। फिर क्या बोल रहा कि धारा के विपरीत दिशा चलने में उसी दूरी को 8 घंटा लगता है, मतलब धारा के विपरीत, कहां कहां पहुंचे, चलिए
बोला धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए उस दूरी को 8 घंटा, यानी कि यहाँ जो आप देखिए टाइम का लिख रहे हैं, हमें स्पीड का लिखना चाहिए क्योंकि टाइम पहले दिया, टाइम लिख देते हैं तो 8 घंटा लगा। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, यदि धारा की चाल कितना हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यहां पर दिया है 6 घंटा लगता। अब बताइए डिस्टेंस समान हो तो स्पीड उलट ना जाएगा मेरे दोस्त, तो बताइए ये 8 यहां आ जाएगा, ये 6 यहां चल जाएगा, ये बन गया स्पीड का रेशियो। अब बताइए ये 6 है, ये 8 है, बीच बाक ऊंची होगा, 7 ना होगा, 6 7 8, तो बताइए ये रेशियो में बदल गया है। अब बताइए ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा रखते हैं, आप क्या रखते हैं, दूगो के बीच का गैप ना रखते हैं, दूगो का बीच का गैप कितना है, 1 ना है, ये दोनों का बीच का गैप कितना है, 1 है। अब बताइए फिक्स मान दिया है यहाँ धारा का वेग 3, लेकिन रेशियोबा में दिया है 1, तो बताइए 3 के तुलना 1 से निकालना है किसका, इसका निकालना है, तो बताइए कितना से गुना, यानी 1 रेशियो का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है कि धारा की दिशा में बताइए, तो बताइए 8 या 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछेगा शांत जल में बताइए, तो 7 या 21। पूछेगा धारा के विरुद्ध बताइए, तो 6 या 18। अब देखिए जांचो करना होगा तो सही सूझ जाएगा, 18 3 21 3 24 3 तो दे लाइए, पूछ कौन चीज रहा, देखिए वो तो हो गया, वो तो एडवांस दिमाग, देखिए अभी सारा चीज बताते लेकिन बता दें और अच्छा। चलिए पूछ क्या रहा है, शांत जल में स्टीमर की चाल बताइए, शांत जल में बताइए स्टीमर का चाल 21 है। अगर आपको ज्यादा दिमाग है तो भाज्य संख्या देखिए काय वो कट रहा है, तो हो सकता है पॉइंट वन भी कटे, लेकिन जाल आप जांच कीजिएगा ताल तो आंसर वन आ जाएगा, तो काय हम जांच करें, जांच वहां किया जाता है यूनिट डिजिट से कि जहां एकदम बहुत तिमाही पचमाही कहले है तो वहां जांच होता है, लेकिन हमको पहले आंसर वन निकालनी है जांच, काहे जांच करेंगे 21 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछेगा और कुछ पूछेगा तो वह बता देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जैसा ही दिखा नाप धारा घोच पोच नहीं करना है, भी लिखे, भी का मतलब धारा का वेग, यानी डाउन स्ट्रीम लिखिए डाउन स्ट्रीम, फिर लिखिए स्टील वाटर, फिर लिखिए अप स्ट्रीम, कोई दिक्कत है, एकदम इतना भी लिखिए, एकदम देखने भी अच्छा लगेगा और बनाने भी अच्छा लगेगा, और आपका जो कॉपिया जांच करेगा ना उसका दिमाग बहुत चौधरी आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सी लिख लिया कहने लिख लिया है, लेकिन पता नहीं चलेगा आप बना के धर दीजिएगा। बोल रहा धारा की दिशा 35 किलोमीटर की दूरी, यानी कि बताइए 35 किलोमीटर धारा की दिशा, शांत जल बोलता था यहां लिखते, विपरीत बोलता था यहां लिखते, धारा की दिशा 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा। अरे होशियार बोलो, स्पीड क्या होगा 35 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा 5 घंटा, तब बताइए स्पीड क्या होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा ना होगा, आराम से होगा। फिर क्या बोल रहा है, 7 घंटा में वापस आ जाता है, यानी कि डिस्टेंस वही बन रहा था, जो जाइएगा वही आइएगा, वही डिस्टेंस गया और 7 घंटा वापस आ गया, बताइए इसका स्पीड वा क्या होगा, 7 5 35। अब पूछो कौन सी पूछ रहा है, सोचेंगे ना 5 है यहाँ 6 है तब ना 7, अब बताइए यही अंतर 1 हो जाएगा। पूछिए वेग पूछा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पूछेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, पूछा क्या शांत जल में नाव की गति बताइए, तो बताइए 5 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है। चलिए अब आपका भी क्वेश्चन आएगा, सबका क्वेश्चन आएगा, टाइप 2 खाली बोलने का, ठीक है, टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 जितना टाइप में पढ़ेंगे उतना आसान होते जाएगा। लोग कहता है कि बना देता है बहुत सारे शिक्षक लोग गुरु जो बनाता टाइप 4, जैसे जैसे हम लोग का दिमाग में पहले फिट रहता कि जैसे जैसे टाइप में आगे बढ़ेंगे टाइप 1 2 क्वेश्चन हार्ड होते जाएगा, लेकिन दोस्त स्टैंडर्ड जमाना है, डिजिटल जमाना है, डिजिटल हिसाब से ना पढ़ेंगे, हम बोलते हैं जैसे जैसे टाइप में चेंज करेंगे और हौला होते जाएगा मैथ, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा नाप धारा दोस्तों में, ठीक है, और एक प्यारा भरा कॉमेंट कर दीजिएगा, इसी से जो है ना और उत्साह के साथ कोई और लॉजिक बना देंगे, एगो चैप्टर में सफा कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ही नौका तौका दिखा हम समझ गए कि नाप तथा धारा का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले भी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब बताइए अब ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, अब तो आदत बैठिए कि यहाँ भी होता है ऐसे ऐसे होता है, चलिए फिर भी आदत बैठाइए और घोर आदत बैठा लीजिए, डी एस एस डब्ल्यू बोले तो स्टील वाटर, फिर यू एस, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए अपने दिखेगा आंसर वा कने कने बोल रहा, बोल रहा धारा के प्रवाह के साथ, बोले को धारा की दिशा में, प्रवाह के धारा के प्रवाह के साथ मतलब धारा की दिशा में, ठीक है, 15 किलोमीटर चलने में 4.25 घंटा लगता है, 3 घंटा 45 मिनट का मतलब यही ना बोलेंगे, 3 घंटा 45 मिनट 45/60, इसी को 4.25 भी बोल सकते हैं,
पंद्रह तीया पैतालीस, पंद्रह चौका साठ, चार तीया बारह, तीन पंद्रह बटा चार ना बोल सकते हैं कि पंद्रह बटा चार घंटा लगता है, बोल सकते हैं ना। चलिए यानी कि पंद्रह, चलो इसको कलर चेंज कर लेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। बोल रहा कि धारा की दिशा में, बोला धारा के प्रवाह की दिशा में पंद्रह किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगा है, पंद्रह बटा चार ना समय लगा है दोस्त। तब बताइए आप इसको हल कर लीजिए, पंद्रह बटा चार समय लगा, हमको चाहिए एक समय ना, क्योंकि पंद्रह बटा चार समय लगा, एक समय निकालिए। और देखिए हल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंद्रह बटा एक, और ऊपर से हल करेंगे चार चल जाएगा ऊपर, और निकालना है नीचे तो पंद्रह, और निकालना हमको एक घंटा, क्योंकि पहले से घंटा हम चेंज कर लिए तो हमको चाहिए एक घंटा, एक से हल, यानी कि ये कट के आ गया क्या, चार ना आ गया, तो चार किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, तो ये आ गया चार किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है, फिर भी नहीं समझ में आया। चलो यार देखो फिर से क्या बोल रहा है कि पंद्रह किलोमीटर जाम में कितना मिनट लग रहा है। चलो यहाँ देखते हैं, तीन घंटा में 180 मिनट, अब 45 मिनट और जोड़ देंगे यानी 225 मिनट में, यानी कि देख रहे हैं 225 मिनट में 15 किलोमीटर, हमको चाहिए 60 मिनट में ना, तो 60 मिनट में भी निकाल देते हैं। तो देखिए ये 225 यहाँ चला गया, निकालना था 60 से, 15 से 15 बार में 15 चौका 60, फिर भी चार आ गया, कोई दिक्कत है, हमको 60 मिनट का इश्यू लाना है यानी घंटा में लाना, ये आ गया चार। फिर क्या बोल रहा है, पांच किलोमीटर चलने में अढ़ाई घंटा, दो घंटा तीस मिनट का मतलब अढ़ाई घंटा, यानी ये तो दिख गया पांच किलोमीटर चल रहे हैं, अढ़ाई घंटा लग रहा है, कहीं ना कहीं दो किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, तो कौन चीज, धारा के उल्टी दिशा, उल्टी बोले तो विपरीत दिशा में दो किलोमीटर प्रति घंटा, पांच किलोमीटर चल रहे हैं, अढ़ाई घंटा लग रहा है, तो दो के स्पीड से चल रहा है। अब आपको लिखना ना है, बताइए आपको कुछ नहीं सोचना है, दो है, तीन है, चार है, बताइए कोई भी गैप बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिब्बा बराबर एक हो जाएगा। लेकिन पूछा कौन चीज, देखिए धारा की प्रवाह की गति, धारा की प्रवाह की गति अंतर देख के बताइए, कहीं भी अंतर देख के बताइए, एक क्या ना आएगा, कोई दिक्कत है। चलिए दिक्कत नहीं होगा, वादा है, कोई भी चैप्टर रहे एक बार पढ़िए तो, आज शेयर कीजिएगा दोस्तों को भी, ताकि हम लोग भी विद्यार्थी हैं, समझते हैं किस तरह से बनाना चाहिए, ठीक है। और सर बताते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हमको उनसे ऊपर उठना तो कुछ तो अलग कर पढ़ना होगा ना, ठीक है। चलिए देखिए दोस्त, ये सब जो मेथड निकाले के क्यों उपाय, इंटर तक मैथ नहीं पढ़ेंगे, फिर मैथ पढ़िएगा तो यही सब निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहीं से रहे, क्वेश्चन बढ़ते हैं, जैसे नाभिक दिखे हमको दिख गया कि यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर डी एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर, अप स्ट्रीम। चलिए आगे बढ़ते फटफट पढ़िए, देखिए बोल रहा धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा के साथ, धारा के प्रवाह के साथ, पांच घंटा में 30 किलोमीटर, बताइए स्पीड क्या होगा, ये जीप पर लिख देना, 30 किलोमीटर जहां में अनुकूल में पांच घंटा लगता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बोल सकते हैं, फिर क्या बोल, 30 किलोमीटर जहां में क्या घंटा, पांच घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है कि चार घंटा प्रतिकूल जा रहा है, चार घंटा में 8 किलोमीटर, चार घंटा में 8 किलोमीटर, तो बताइए दू ना होगा, ये दो है चार है तब ना 6 होगा, कोई दिक्कत है, दो चार छो, आप कुछ कौन सी पूछ रही हो, तो देखिए देखिए दो दो का अंतर में, ई बताइए ई बराबर क्या आएगा, दो आ जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ, जैसा ही दिखा भी लिखिए, बोले धारा का वेग, उसके बाद क्या लिखिए, डी एस एस डब्ल्यू यू एस, पढ़ते जाइए, बोल रहा है 8 किलोमीटर की गति धारा के साथ, यानी स्पीड दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है 5 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि 5 किलोमीटर धारा के विपरीत, यहाँ 5 है यहाँ 8 है, तब देखिए लगता है 3 का अंतर है, डेढ़ का डेढ़ डेढ़ बढ़ रहा है, 5 और डेढ़ साढ़े छः ना होगा, साढ़े छः, 5 और डेढ़ कितना होगा, साढ़े छः, साढ़े छः डेढ़ 8 हो जाएगा। पूछ कौन सी रहा धारा की गति, हम हमेशा बताएं, पूछ रहा है ये वाला, बताइए अंतर कोनो दुगो का अंतर लीजिए, लगातार दुगो का अंतर लिए, डेढ़ डेढ़ का डेढ़ किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ जाएगा, डेढ़ किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ता, अब लगता है उनका क्वेश्चन आ जाएगा जो पूछे थे, चलिए वो क्वेश्चन समझ गए, समझिए सब समझ गए। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाता है, जैसा ही नाव का क्वेश्चन आए भी लिखिए, उसके बाद क्या लिखिएगा, डाउन स्ट्रीम स्टील वाटर शांत जल में, फिर अप स्ट्रीम, एक तरीका से लिखिए, धारा के साथ शांत जल फिर विपरीत होगा। 48 किलोमीटर एक स्थान पर
एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटा में वापस आया था। बताइए जो दूरी गए वही दूरी ना आएंगे, यानी कि डिस्टेंस वह समान होगा। 48 किलोमीटर जैबो करेंगे अब विपरीत भी आएंगे तो 48 से ना आएंगे। तब बोल रहा कि टोटल कई घंटा लगा, टोटल कई घंटा लगा, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, टोटल 14 घंटा लगा। ध्यान रखिएगा कि गेबो किए हैं आइबो किए हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं पटना से दिल्ली गए और दिल्ली से पटना आए तो डिस्टेंस वह समान रहे हैं, ठीक है। गए हैं कौन एक्सप्रेस से, आए हैं लोकल से, तो समय बात तो चेंज हो ही ना जाएगा, डिस्टेंस वह सेम है, समय बात चेंज होगा, तो वही होता धारा विपरीत साथ में। क्वेश्चन पढ़िए क्या हो, 48 किलोमीटर गया 48 किलोमीटर आया, लगा है टोटल 14 घंटा। फिर क्या बोल रहा है कि वह पाता है कि 4 किलोमीटर धारा के साथ उतना ही समय में 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलता है। मतलब कि देखिए डिस्टेंस वह दिला समय दिया, डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस तो यहां दिया, समय का दिया टाइम कि 4 किलोमीटर जितना इसके साथ चलता नहीं धारा के साथ, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता तब बराबर होता। मतलब एक्सप्रेसवा 4 किलोमीटर चलते हैं तो लोकलवा से 3 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, कहने का मतलब यही है। अब बताइए ये टाइम दिया है, अगर उलट देंगे क्वेश्चन, चलिए उलट देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, चलिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, 48 किलोमीटर गया भी 48 किलोमीटर आया भी तो 14 घंटा लगा, लेकिन कभी भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक बात को, नोट्स भी बना के लिख सकते हैं, हम नोट्स वगैरह नहीं लिखते, ठीक है। कभी भी दूरी को समय के साथ जोड़ दे, यानी कि दूरी को समय के साथ यानी डिस्टेंस है, अगर टाइम निकाला तो डिस्टेंस सेम है, लेकिन बोल रहा है कि 4 किलोमीटर धारा के साथ गए हैं और उसी के साथ 4 किलोमीटर जितना धारा के साथ चलते हैं ना उतना ही समय में 3 किलोमीटर धारा के विपरीत चलते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है डिस्टेंस को समय से जोड़ दें तो डिस्टेंस को उलट देंगे तो टाइम निकल जाएगा, क्या करेगा टाइम निकल जाएगा, यानी कि 3 समय लगता है, 3 घंटा लगता है धारा के साथ तो मेरा 4 घंटा लग जाता है विपरीत चलने में। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए हम जानते हैं जब भी डिस्टेंस समान हो तो समय का उल्टा चाल होता है कि ना होता। अब ध्यान से देखिए यहां बोल रहा है 3 घंटा धारा के साथ और 4 घंटा धारा के विपरीत रेशियो में, जबकि यहां बोल रहा है टोटल 14 घंटा लगता है। रेशियो में बोल रहा है 3:4, 3:1 यहां पर डिब्बा लिख देते हैं, 3:4, ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है 3:4 टोटल समय यहां 14 है, तो रेशियो में टोटल कितना होगा 7 ना होगा, टोटल 7 होगा। तब बताइए 7 × 14 यानी 1:1 के मान कितना 2 घंटा। तब पूछेगा इसका 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 टाइम बताइए, तो इसका बताना होगा कितना टाइम 6 घंटा, इसका बताना होगा तो 8 घंटा। हम जानते हैं समय का उल्टा चाल होता है, होता कि ना होता, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम जानते हैं, चलिए हम जानते हैं 1:1 का मान कितना है 6 घंटा और यहां आया 8 घंटा, समय का उल्टा चाल होता है। तो बताइए ये 8 यहां पर चलाएगा, यानी चाल क्या आएगा 8 और यहां पर आ जाएगा 6। अब बताइए एक्चुअल में यहां 8 है, यहां 6 है, तो बताइए 6 है धारा के विपरीत तो 7 होगा यहां पर, 8 हो जाएगा यहां पर, 6 7 8, ठीक है। तो पूछ क्या रहा धारा की गति बताइए कितना कितना बढ़ रहा, एक एक बढ़ रहा, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है, फिर से समझिए कभी भी डिस्टेंस को समय के साथ जोड़ दे, ठीक है, नोट्स बना के भी लिख सकते हैं, तो 4 किलोमीटर जितना धारा के साथ चलते हैं ना 3 किलोमीटर विपरीत चलते हैं, यानी कि इससे भी समझ सकते हैं कि समय बाद जो उसका उल्टा हो जाएगा और समय का उल्टा चाल हो जाता है। कोई दिक्कत है, चाल हो जाता है। तो बताइए यहां पर 3:4 लगा है, यहां टोटल 14 घंटा लगा, यहां 3 4 7 घंटा लगा, 14 की तुलना 7 से 1:2, तब पूछेगा 3:1 कितना 6, 4:1 कितना 8, तब बताइए इसको उलट देंगे समय को उलट दिया तो चाल आ गया, तो चाल बताइए ये 8 है ये 6 है तो 6 7 8 एक आ जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन शानदार है लेकिन कितना फीका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है शांत जल में चाल, हम हमेशा क्या लिखते हैं भी लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं डी एस एस डब्ल्यू और यूएस। कोई दिक्कत है,
बोल रहा है शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्पीड मेरा क्या दे दिया, स्पीड दे दिया है 28/3, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है। अभी जो है हम इसका स्पीड देखिए थोड़ा सा गड़बड़ किया, हम इसका स्पीड थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं 28/3, ठीक है। हम सबसे पहले समय ले लेते हैं, बोल रहा है कि जितना ही एक घंटा में चलता है धारा के दिशा में उससे 3 गुना समय लेता है विपरीत चलने में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब भी डिस्टेंस समान हो तो समय का उल्टा चाल होता है, समय का उल्टा क्या होता है चाल होता है। तो बताइए 1:3 है, ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए ये 1 है ये 3 है तो बीचवा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ये ना होगा रेशियो में। यहाँ पर बताइए स्पीड आया है बीचवा वाला 2 गो, यहाँ बोल रहा है ना स्पीड एक्चुअल में 28/3 है लेकिन ये एक्चुअल में बोल रहा था यहाँ पर 2 है। अब आप ही बताइए आपको हल करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप ही क्या करेंगे कि जो एक्चुअल में दिया, एक्चुअल में कितना दिया है, एक्चुअल में दिया है, कलरवा चेंज कर लेते हैं, एक्चुअल में दिया है कितना 28/3 दिया, एक्चुअल में 28/3 दिया लेकिन रेशियोमा में तो यहाँ 2 दिया है। पूछ क्या रहा धारा का वेग बताइए, तो धारा का वेग किसी का अंतर उठा करके देख लीजिए 1 से गुना कर दीजिए, धारा का वेग क्या ना होगा। तब बताइए 28/3 के तुलना कितना से, 1/2 से, 1/2 2 उलट जाएगा, तब बताइए 2 का 14 बार में यानी कि कितना हो जाएगा 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है। यानी 14/3 कहीं पर है, यानी कि देख लेते हैं, यानी कि 14/3 यानी कहां आ जाएगा 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है क्या। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो समझ गया समझिए कि बोट एंड स्ट्रीम खल्लास है। जैसे ही हमको देखा धारा के विपरीत धारा की दिशा, आप देखिए क्वेश्चन को एकदम कितना लाजवाब तरीका से बनाएंगे और ध्यान से सिर्फ देखिएगा। जैसा ही दिखा भी अब क्या लिखेंगे DS, SW और US, हम सारा मेथड हमको पता है। क्या बोल रहा धारा के विपरीत धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में, यानी धारा के विपरीत धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी तय करने में T1 और T2 घंटा लगता। सबसे पहले T1 जो है धारा के विपरीत है, ठीक है, फिर T2 जो है धारा के साथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहां जो दिया है y किलोमीटर प्रति घंटा दिया। अब आप चाहेंगे तो आप जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस समान होता है तो समय का उल्टा चाल होता है। आप अपना मन से कुछ मान लीजिए, अपना मन से कुछ मान लीजिए, उस हिसाब से बैठा दीजिए। मान लेते हैं कि समय मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं, इसको लगता है 10 घंटा, इसको लगता है 20 घंटा, क्या नहीं मान सकते हैं और इसको ऑप्शन 8 करा देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम बना करके भी भेज दिए उनको, ठीक है। मान लेते हैं इसको लगा धारा की दिशा में 10 घंटा जाने में, इसको लगा धारा के विपरीत जाने में 20 घंटा। अब आप ही बताइए कि समय का उल्टा स्पीड ना होता है तो बताइए इसका तो हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 10, ये स्पीड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिएगा ये 10 है 20 है तो बिचुआ में कौन सी हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 5-5 का अंतर है। तो बताइए 10, 15, 20 है यानी कि वाई का मान मेरा कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि ना आएगा। यानी T2 को माने है 10, T1 को माने है 20, आप चाहे तो कुछ मानिए अपना इच्छा अनुसार, हमको जो बेटर लगा कि 0-0 वाला अच्छा लगता कट भी जाता, ठीक है। चलिए आप जानते हैं कि हमको निकालना क्या है, शांत जल में चाल, शांत जल में एक्चुअल में निकाले 15, जिस ऑप्शन में 15 आता है वो ऑप्शन मेरा करेक्ट है। जैसे यहां पर देखिएगा सी ऑप्शन लेते हैं, सी तो सी को छोड़िए, स्क्वायर दिया पहले, सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन लगे वही रखिए। हमको लग रहा है T1 - T2, तो T1 है 20 और T2 माने है 10, तो 20 में से 10 गया तो 10 हो जाएगा। फिर T1 + T2, T1 माने है 20 और T2 है 10, यानी 20 + 10 30 हो जाएगा। और फिर Y का मान कितना निकाले हैं, Y का मान अंतर निकाले हैं 5 का, यानी कि गुना कर दीजिए 5 से, 5 × 6 = 30। क्या आपका ये 15 आया है, नहीं आया है। चलिए फिर से देखिए D नंबर ऑप्शन देखिए,
क्योंकि एकदम आसान हो गया बनाना अब हमारे लिए। T1 प्लस T2, तब T1 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर देखिए T1 माइनस T2, 20 में से 10 गया था, 10 बचेगा। फिर क्या बोल रहा है, इंटू वाई कीजिए, इंटू वाई का मान 5 निकाले। देखिए 10 दिया 30, 5 दिया 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ भी तो एक्चुअल में मान जो आप रखे थे वहां पर 15 है, हल किए इस ऑप्शन को तो मेरा भी 15 आ गया। कोई दिक्कत है, कितना शानदार तरीका से हल किए आप। इसको काहे ला झूठो माथा पेची कीजिए, इतना इतना एकदम पहले समीकरण एक समीकरण दो मानिएगा माथा खराब होगा, ठीक है। चलिए देखिए टाइप 3 बोलने का, ठीक है, लेकिन आपको चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है। तैर सकता मतलब समझे कि आप एक घंटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलते। क्वेश्चन छुपा हुआ है, समझने के लिए आप समझ सकते हैं। 5 किलोमीटर स्थिर जल में चल सकता है, यानी उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही ना उसका चाल हो गया, यानी स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझना होगा, क्वेश्चन कभी कभी चुरा लेता है शब्द को, ठीक है। बोल रहा है एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, लेकिन यदि 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 नदी के धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 दिया स्थिर जल में 1 है, ये तो 6 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, लेकिन जोड़ देना इधर जाना घटा देना, ठीक है। बोल रहा है कि उस एक दूरी को, यानी एक किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे एक दूरी को तय करने में यानी जाने तथा आने में 75 मिनट लगता है। यानी टोटल कितना मिनट लग रहा है, 75 मिनट लग रहा है। अब ऑप्शन से देख लीजिए, पूछेगा दूरी क्या है। अब आप चाहें तो देखिए दूरी को एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, यानी कि एक्स बटा 6 प्लस एक्स बटा 4 बराबर कितना कीजिए, इतना कर दिए। लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, हम देखेंगे चारे गुना ऑप्शन है दोस्त, जो सबसे बेटर ऑप्शन लगे, 6 से कटने वाला, 4 से कटने वाला वो वाला रख दीजिए। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 3, 3 रखेंगे तो बताए 3 किलोमीटर जाने में 3 किलोमीटर चल रहा है 6 के स्पीड से, तो कहीं ना कहीं आपको आधा घंटा लगेगा। ऑप्शन से मान लेते हैं 3 रखें, ठीक है, 3 रखे हैं, तो आप ही बताइए कि 3 किलोमीटर जाना है, आपका स्पीड 6 है, तो कहीं ना कहीं आधा घंटा लगेगा ना जी, यानी कि आधा घंटा का मतलब हो गया 30 मिनट लगा। अब देख लेते हैं 75 मिनट ना पुराना है। अब बताइए 3 के स्पीड, 3 किलोमीटर जाना है, 4 के स्पीड से जा रहे हैं, हमको निकालना है मिनट में, तो कितना 60 से गुना करते हैं, क्योंकि स्पीड है घंटा में, मिनट में चाहिए तो 60 से गुना करते हैं। देखिए 15 चौका 60, 15 किया 45, यानी कि यहाँ लगा 45, यहाँ लगा 30, तो हो गया 45 30 75। आप चाहे तो एक्स मानिए और नहीं तो दुनिया कोई भी एग्जाम दीजिए, 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपको सारा मेथड पता है, दूरी समान है भाई, 3-3 रख करके देख लीजिए, जैसा आपको इच्छा हो वैसा कर लीजिए। देखिए ऐसा ही मेथड में तैयार था, इतना बार चीखे हैं इस पर, क्वेश्चन गलत था, ठीक है, उसको सुधारे, ठीक है, तब मेथड जाके तैयार होता है। एक दो क्वेश्चन और है बस, ज्यादा ना है, फिर आपको बना करके जवाब देना। जैसा ही देखे स्थिर पानी में, तो स्थिर पानी में जैसा ही देखे तो भी लिखेंगे, उसके बाद डी एस एस डब्ल्यू और यू एस लिखेंगे। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा पुट करते जाना है, कोई दिक्कत। बोल रहा एक व्यक्ति स्थिर पानी में 5 के स्पीड से, स्थिर पानी में जैसा ही देखे वह 5 के स्पीड से, तो स्पीड लिख दिए 5। फिर बोल रहा है यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब आखमन के बोलिए 6 होगा, ये वाला क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, उसे एक स्थान तक जाने तथा वहां आपस आने में 1 घंटा लगता है। यहाँ पर देखिए 1 घंटा छुपा हुआ, ठीक है, 1 घंटा लगता है, तो बताए वह स्थान कितने दूर है, गया भी वापस आया भी, टोटल लगा कै घंटा, 1 घंटा। तो कहीं ना कहीं आप दूरी पूछा है, चारों को ऑप्शनों में से कौन होगा, आप दिमाग लगाइए कि यहाँ 6 का स्पीड है, यहाँ 4 का स्पीड है, क्या रखे ताकि मेरा 1 घंटा आ जाएगा। तो हमको लगता है इसको छोटा छोटा, क्योंकि अगर 4 रख लेंगे तो 4 से 4 1 घंटा तो डायरेक्ट आता, हमको लगता है कि 2.4 किलोमीटर रखेंगे तो मेरा काम ज्यादा लगता हो जाएगा। जैसे देखिए दूरी अपना मन से ऑप्शन से उठाए ए, ठीक है, आप चाहे तो एक्स बटा 6 प्लस एक्स बटा 4 जोड़ करके बराबर 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत है, जैसे ऐसे कीजिए एक्स बटा 6 उसको एक्स मानेंगे तो एक्स बटा 4 बराबर 1 कीजिए, इसको हल कीजिए। तो हम काहे ला करेंगे, सब दिन हम ही हल करेंगे एक्स मान के,
तो बताइए 2.4 रखे हैं क्योंकि 4 × 6 = 24 और 6 × 6 = 24 भी कटता है इसीलिए, ठीक है। 42 ना रखें, 18 ना रखें, जरूरत अगर ना पड़ेगा वैसे जरूरत रखेंगे। बताइए 2.4 दूरी है, डिस्टेंस है 2.4 दूरी, 6 का स्पीड से रखता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए हमको चाहिए मिनट में, क्या है मिनट में ना, एक घंटा मतलब 60 मिनट पूरा देना है। तो बताइए पॉइंट हटेगा तो 60, और यहाँ 60 से गुणा कर लेंगे, मिनट में होगा ना, घंटा है तो मिनट में, 60 से 60 खत्म, यानी कि यहां पर जो आया मेरा 24 मिनट आ गया, 24 मिनट आ गया, ठीक है। फिर अब यहां रखता है 2.4, 2.4 चल रहा है 4 के स्पीड से, पॉइंट हटाएंगे 0, अब मिनट घंटा को मिनट बदलना था 60 से। अब बताए 0 से 0 खत्म, 4 × 6 = 24, 6 × 6 = 36, यानी कि इसका मान आ गया 36 मिनट। 36 मिनट यानी धारा के साथ चले 24 मिनट लगा, इसके साथ चले 36 मिनट, 24 × 36 60 ना होता है, एक घंटा का मतलब 60 मिनट। यानी ऑप्शन से कितना आसान है, यानी तरीका आपको पता होता ना, हम कुछ कर रहे हैं बस इसी के साथ घूम वहां पर। चलिए इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, देखिए इस क्वेश्चन को फिर भी बना दे, जैसा ही देखा भी लिखें फटाक से डीएस एस डब्ल्यू और यूएस लिखेंगे, स्पीड बढ़ाइए। जैसे बोल रहा ना स्थिर जल में, स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर बोलेगा 13, अब यहाँ पर स्पीड ना लिखिए क्योंकि समझ गए, बोला धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ई दिया 4 तो ये हो जाएगा 13 × 4 = 17, 13 से 4 = 9। क्या बोल रहा है 68 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ धारा के अनुकूल, यानी 68 किलोमीटर जाए में क्या घंटा, बोला ये 68 किलोमीटर जा रहे हैं आपका स्पीड है 17, क्या घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। 68 किलोमीटर जा रहे हैं 17 का स्पीड है, क्या घंटा लगेगा, 17 × 68 4 घंटा लगेगा, आंसर मार के निकल जाइए, कोई दिक्कत है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, फिर वही क्वेश्चन है आपको जवाब देना है, ठीक है। अब देखते हैं कितना लोग जवाब देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन हम शानदार है, और कोई क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखिए कितना हार्ड लग रहा होगा, जैसे ही अनुपात देखे पॉइंट देखे हार्ड लगता होगा, लेकिन 1% हार्ड नहीं है, देखिएगा कितना आसान है, एकदम शानदार तरीका से, क्योंकि क्वेश्चन कोई हो मेथड एक की है, ठीक है। चलिए जैसा ही देखें ना धारा से भी लिखे, उसके बाद क्या लिखेंगे डी एस, उसके बाद एस डब्ल्यू बोलते जाना यू एस। अब बताइए मेथड जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे ना, हम यहाँ पर हमेशा क्या लिखते हैं स्पीड में लिखते हैं, स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं। बोल रहा एक नाव धारा के विरुद्ध यानी अपस्ट्रीम, देखिए यहाँ लिखल है अपस्ट्रीम लिखा, चलिए अपस्ट्रीम 2.1 किलोमीटर जाने में 7 मिनट। अब बताइए 2.1 किलोमीटर जा रहे हैं 7 मिनट लग रहा है, हमको तो चाहिए 60 मिनट ना, तो 60 से गुना कर दें, पॉइंट से एक जीरो जाएगा, 0 से 0 7 × 21 = 6 किलोमीटर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये वाला आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है। अभी देखिए ये जो स्पीड है ना हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, स्पीड यहां पर लिख दिया ऊपर ताकि देखिए और भी इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। चलिए यानी कि ये मेरा 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा यदि स्थिर पानी में नाव की गति, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 7:1 है, स्थिर गति में 7 है और धारा का वेग दिया है 1, यही ना बोल रहा, ऐसे पढ़े स्थिर पानी में 7 है और धारा की नाव, स्थिर पानी नाव की गति और धारा की गति 1 है, तो स्थिर पानी में 7 है धारा का वेग 1 है। अब बताइए ये कितना होगा, रेशियो भाव वाला 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 8 × 7 = 6 हो जाएगा, होगा कि ना होगा, आराम से होगा। एक्चुअल में रेशियो में दिया, देखिए रेशियो दिया, रेशियो में दिया 6, एक्चुअल में दिया 18, काय गुना है 3 गुना, पूछेगा कुछ हो तो पूछेगा सम में 3 से गुना, क्योंकि रेशियो में सम बराबर करते हैं, पूछ रहा है कि इतना किलोमीटर जाने में यानी डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर जाने में क्या घंटा, तो पहले स्पीड वाइज का पता कीजिए, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसको जाना डाउन स्ट्रीम में कितना है 17.6, यानी कि 17.6 किलोमीटर जाना, तब तो ये दूरी बटा चाल बराबर समय ना होता। अब बताइए भाग तो देने आता होगा ना, भाग दीजिए, जब भाग दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो पॉइंट के बदले 0, और निकालना है कौन सी में, तो देखिए सब मिनट में दिया है, तो एक घंटा में कहाँ रखेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, 0 से 0 6 × 6 चरकास काटेंगे, 4 × 16 4 × 16, कोई दिक्कत है, कितना बड़ा मैथ रहे मेथड यही चलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन एक बार लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इस समय लगता है माथा खराब कुछ नहीं, जैसे ही नाम धारा लिखिए भी लिखिए, फिर लिखिए डी एस एस डब्ल्यू यू एस लिखिए,
चलिए दोस्त देखिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है मेथड बनाने के लिए, आप ऐसा कहीं यूट्यूब पर नहीं देखेंगे। अच्छा लगे जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, आप लोग से निवेदन है एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे उत्साह जो है आपका कोई भी चैप्टर में बनाने के लिए एक मेथड काफी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन जैसा ही धारा से देखें हम आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा चल रही एक नाव को, धारा के विपरीत चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट लगता है। बोले तो टाइम कितना लग रहा है, विपरीत चल रहा है 8 घंटा 48 मिनट को हल कर दे पहले। 8 घंटा 48 मिनट का मतलब कौन सी होगा, 48 बटा 60, 12 चौक 48, 12 5 60, 8 5 44, 44 बटे 5 मिनट, 44 बटे 5 मिनट में लग रहा है। यानी कि यहां पर एक्चुअल में क्या लग रहा है, 44 बटा 5, हाँ घंटा लग रहा है, घंटा ना दिया, घंटा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटा लग रहा, यानी कि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटा था 4 घंटा लगा। आप चाहे तो सबसे पहले इसको 20-44 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर आप इसको उलट दीजिएगा तो चाल ना आ जाएगा, चाल आ जाएगा। पूछा क्या, नाव शांत जल में नाव की चाल, यानी इसका पूछा और धारा की चाल इसका पूछा। अब ध्यान से देखिए तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, होगा कि ना होगा, तब बताइए ये उलट के जाएगा तो ये क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, कहीं गड़बड़ रखिए, 4 5 20, तो देखो इसको लिख देते हैं एक बार, 20:44 लिख दे, तब बताइए इसका हो जाएगा 44 और इसका हो जाएगा 20। अब देखिए हमको लग रहा है 24 का अंतर है तो ये वाला बिचला वाला 32 ना होगा, ठीक है ना, 20 12 32 12 44 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड है तीनों का ना लिखेंगे। आप चाहे तो टाइम को भी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जिसका जरूरत है ना हमको क्या मतलब है, ठीक। तो बताइए पूछा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में मेरा कितना है स्टील वाटर, और भी पूछा स्टील वाटर में है 32, अब पूछिए इसका कितना आएगा 12, इसका रखिए रेशियो में 12, हल करने आता है ना, 8 चौक 32 4 3 12, कोई दिक्कत है, 8:3 मार के चलिए। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना, पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए इस सब मेथड को यूज करना बहुत जरूरी है। आपको पता चल गया होगा कि किस मेथड से इसको बनाते हैं। देखिये पूरा नाव धारा चाहे कहीं भी पढ़िए, कितना पैसा लगा पढ़िए, आपको बिना एक्स माने एकदम, कभी एक्स मानेगा ही मानेगा, कितना बड़ा मेथड है एक्स नहीं मानेगा। ट्रेन भी आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, भोला लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा, वहां पर जाइएगा, जितना भी चैप्टर कमर्शियल का है एक वो एक्स महीना नहीं मानेंगे, वादा है। बस आप लोग प्यारा वाला कमेंट कर दीजिएगा, इसी साथ जाएंगे।